जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री वल्लभाधीश की जय। आज कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी है। श्रीनाथ जी में आज नित्य लीला स्थ तिलकाय श्री गोविंद जी का प्राकट्योत्सव है। श्री गोविंद जी द्वितीय ग्रह विठल नाथ जी के घर के प्रधान आचार्य गोस्वामी कृष्ण राय जी के पुत्र थे। दोहरा मनोरथ कर्ता दाऊ जी के लीला प्रवेश के बाद में 4 वर्ष तक श्री लक्ष्मी बहू जी ने तिलकायत पद की सेवा करके 1886 में आपको गोद लिया था तथा आप तिलकायत की गद्दी पर विराजित हुए। आपका जन्म 1876 विक्रम संवत में आज के दिन हुआ था। विक्रम संवत 1892 में आप कोटा पधारे और आपने अपना सर्वस्व समर्पण करके प्रभु के सुख में जीवन संपन्न किया। आप अपने आप को स्वामिनी जी की सहचरी के रूप में मानते थे। आपने शयन दर्शन में विशेष उत्सव मनोरथ श्रृंगार किए जो अभी तक भी होते हैं। श्री वीर गिरधारी जी आपके पुत्र थे। आप श्रीनाथ जी में खूब मनोरथ करते थे, इस कारण श्रीनाथ जी में 7 लाख का कर्ज हो गया। तब आपने मुनिम जी को बुलाकर दैन्य भाव से श्रीनाथ जी के सम्मुख अश्रु बहाते हुए प्रार्थना की। तब प्रभु कृपा से किसी ने यह कर्ज चुका दिया। कहते हैं कि प्रभु श्रीनाथ जी ने स्वयं किशोर रूप धरकर बॉम्बे जाकर हुंडी चुकाकर कर्ज मुक्त हुए। कहा जाता है कि भेजने वाले श्रीनाथ जी और पाने वाले श्रीनाथ जी। कर्ज चुकने के बाद आपने प्रभु से स्त्री भाव में विनती करके कहा, प्रभु मैं तो आपकी सोहनी करने वाली, मंदिर में वस्त्र सेवा करने वाली हूँ, आप प्राणनाथ हो, आप जानो। और आपने कर्ज चुका दिया। तब आपने माणक के 2 लड़ा प्रभु को भेंट किए तथा आपने श्री नवनीत प्रिया जी को लाल बाग में पधरा कर विक्रम संवत 1897 में धूमधाम से विशेष मनोरथ किया। आइए श्रीनाथ जी का आज का विशिष्ट सेवा क्रम जानते हैं। उत्सव होने के कारण श्रीनाथ जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की देहरी को हल्दी से लीपा जाता है एवं आशापाल की सूत की डोरी की वंदन माल सभी द्वारों पर बांधी जाती है। आज सभी समय जारी जी में यमुना जल भरा जाता है। आज 2 समय की आरती थाली में की जाती है। आज से गादी तकिया पर पुनः सफ़ेदी चढ़ जाती है। साज में पिछवाई पीले खीन खाब की आती है। श्रीनाथ जी को आज नियम के पीले खीन खाब के चाकदार भागा एवं श्रीमस्तक पर लाल माणक की कूले के ऊपर सुनहरी चमक का घेरा धराया जाता है। माणक के कूले के ऊपर सुनहरी चमक का घेरा वर्ष में केवल आज के दिन ही धराया जाता है। श्रीनाथ जी को आज गोपी वल्लभ भोग में केसर युक्त जलेबी के टूक तथा दूधघर में विशेष रूप से सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। राजभोग में अन्न सकड़ी में दाग का रायता और सकड़ी में बूंदी प्रकार अरोगाए जाते हैं। आइए श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के गुणगान करते हैं। आज की साज सेवा में श्रीनाथ जी में आज पीले रंग के खीन काब की लाल रंग के हाशिया से सुसज्जित सुंदर पिछवई धराई जाती है। आज गादी तकिया और चरण चौकी पर आज से पुनः सफ़ेद बिछावट की जाती है। आज की वस्त्र सेवा में प्रभु श्री वल्लभाधीश को आज पीले खीन खाब के रुपहली जरी की तोयलेस की किनारी से सुसज्जित चोली चाकदार वागा एवं सूथन धराए जाते हैं। आज मोजा जी लाल खीन खाब के धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र आज हरे रंग के धराए जाते हैं। आवरण श्रृंगार सेवा में प्रभु श्री गोवर्धन धरण को आज वनमाला का अर्थात चरणार बिंद तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। आज सर्व आवरण सोने एवं माणक के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर लाल रंग के माणक के कूले के ऊपर सिरपेच माणक का दुलड़ा सुनहरी चमक का घेरा और शीशफूल धराए जाते हैं। बाई ओर आज मीना की चोटी जी धराई जाती है। प्रभु जी के श्री हस्त में बाजूबंद पौची हस्त साकला मुद्रिका आदि धराए जाते हैं। श्रीकर्ण में मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। ठाकुर जी के श्रीकंठ में आज कली कस्तूरी आदि सभी माला जी धराई जाती है और श्वेत एवं पीले पुष्पों की
रंग बिरंगी थाग वाली दो सुंदर माला जी सुशोभित की जाती है। ठाकुर जी के श्रीहस्त में लाल मीना के वेणु जी एवं दो वेत्र जी धराए जाते हैं, जिनमें से एक वेत्र जी लाल मीना के और एक सोने के होते हैं। खेल के साज में आज पट लाल और गोटी श्याम मीना की आती है, तथा आरसी श्रृंगार में पीले खंड की और राजभोग में सोने की डांडी की आती है। संध्या आरती दर्शन के पश्चात श्रीमस्तक और श्रीकंठ के आवरण बड़े कर दिए जाते हैं और छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्रीमस्तक पर आज शयन के दर्शन में केसरी गोलपाग के ऊपर सिरपेच टीका एवं एक मोर पंख की सादी चंद्रिका एवं माणक का जोरा धराया जाता है। आज लूम तुर्रा नहीं धराए जाते हैं। आइए आज की राग सेवा, आज के कीर्तनों की चर्चा करते हैं। मंगला दर्शन में आज ललन पिया रस भीने का गायन होता है। राजभोग में वल्लभ नंदन रूप अनूप, आरती में चंपकली गनी राखी हो, शयन में मोहन लाल बने रंग भीने का गायन होता है। जबकि मान के कीर्तन में रतन जतन कर पायो और पौड़वे के कीर्तन में लागत है अब शीत की। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद।